शांति। आज का प्रातः क्लास है 17/12/1967। रिकॉर्ड चला है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ये कौन कहते हैं और किनको कहते हैं कि पाप की दुनिया से दूर ले चल? और कब कहा? कि पाप की दुनिया से दूर ले चल। जरूर कलयुग के अंत में ही कहा। भगवान को कहा और रूहानी बच्चों ने कहा। बाबा बार बार रूहानी बच्चे क्यों कहते हैं? कि बच्चों को स्मृति आ जाए कि हम रूह हैं, जिस्म नहीं है। क्योंकि अब आत्माओं को जाना है अपने घर। शरीरों को तो नहीं जाना है। फिर जब इस दुनिया में आवेंगे तो सुखदाम में आवेंगे। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। आत्म की स्थिति में टिकने वालों ने पाया था। देवान में रहने वालों ने सुख का वर्षा नहीं पाया। उन्होंने सिर्फ शांति का वर्षा पाया। अभी फिर से वो वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तो ही तो सृष्टि का चक्र फिर से रिपीट हो। और रिपीटेशन तो सब का होता है ना। जो कुछ पास्ट हुआ है सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होता है, परंतु नाटक में तो चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाता है तो बदली करके दूसरा भी डाल लेते हैं। उसको फिर बायस्कोप कहा जाता है। परंतु इस ड्रामा में तो चेंज नहीं कर सकते। ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। उन नाटकों को तो बना बनाया ड्रामा नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने से फिर उस ड्रामा की भी समझ आ जाती है। बच्चे समझते हैं कि ये जो भी नाटक आदि देखते हैं वो सब नाटक झूठे हैं। कलयुग में तो जो भी चीज देखी जाती है वो सतयुग में नहीं होगी। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में ही होगा। ये हद का नाटक आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वो चीज ज्ञान मार्ग में अर्थात सतयुग में नहीं होती है।
तो अब बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो। बाबा ने तो एक मुरली में चलाया था कि एक लौकिक बाप से और एक पारलौकिक बाप से ही वर्षा मिलता है, बाकी तो जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता है। ये खुद भी उनसे ही वर्षा पाते हैं। कौन? ये अलौकिक बाप ब्रह्मा भी उनसे, किन से? पारलौकिक बाप से ही वर्षा पाते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है नई दुनिया की, वो बेहद का बाप ही देते हैं और सिर्फ उनके द्वारा देते हैं। इनसे ये अडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इनको बाप कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों को याद करते हैं। ये अलौकिक बाप तो याद नहीं आता है, क्योंकि इनसे तो कोई वर्षा ही नहीं मिलता। बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी तो रचना है ना। किसकी रचना है? बाप की रचना है। रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है। तुमको भी तो शिव बाबा ने ही क्रिएट किया है। ब्रह्मा को भी उसने ही क्रिएट किया है। वर्षा क्रिएटर से मिलता है, वो है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? हाँ, बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको भी वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर ये फिर तुमको देते हैं, नहीं। बाप कहते हैं कि तुम इनको भी याद नहीं करो। किनको? अलौकिक बाप ब्रह्मा को भी याद न करो। ये तो बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो दोनों का वर्षा रिजर्व हो जाता है। बाकी इनसे तो कुछ मिलता ही नहीं है। बल तुम इनको बाबा कहते हो। किनको? ब्रह्मा को बाबा कहते हो। तो अच्छा बताओ, इन ब्रह्मा बाबा से क्या मिलता है? शिव बाबा से तो वर्षा मिलता ही है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा से वर्षा क्या मिलेगा? क्या कहेंगे? बुद्धि में तो जागीर आती है ना। ये बेहद बाप की बादशाही तुमको उनसे ही मिलती है। वो तो है बड़ा बाबा, ये छोटा बाबा। वो कह के दूर क्यों कर दिया? जरूर भविष्य में प्रैक्टिकल में पार्ट बजने वाला है। और ये तो कहते हैं कि मुझे याद नहीं करो। मेरे पास तो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि तुमको मिले। जिनसे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको ही याद करो। वो ही कहते हैं मामेकम याद करो।
लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पे तो कितना बड़ा झगड़ा चलता है, यहाँ पर तो झगड़े की कोई बात ही नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद के बाप का वर्षा नहीं मिलेगा। बाप कहते हैं वर्षा पाने के लिए अपन को आत्मा समझो, अपने रथ को भी कहते हैं कि तुम अपन को आत्मा समझो, आत्मा समझकर मुझे याद करोगे तो तुमको भी विश्व की बात सही मिलेगी। किनको कहते हैं? अपने रथधारी को कहते हैं कि तुमको भी विश्व की बात सही मिलेगी, याद करोगे तो। इसको ही कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंधों को छोड़कर अपन को देह ही समझना है। इसी बात में मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई न कोई तो मेहनत होनी ही चाहिए। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वो यात्रा तो करते ही हैं शरीर से, और ये तो आत्मा की यात्रा है। ये तो तुम्हारी आत्मा है परम धाम में जाने की। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई भी जा नहीं सकते हैं सिवाय इस याद की यात्रा के पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वो ही जा भी सकते हैं। और फिर वो ही ऊंच पद पा सकते हैं। जाएंगे तो सभी। परंतु जाने वाले पतित है ना, इसलिए ही पुकारते हैं। आत्मा ही याद करती है। खाती पीती सब कुछ आत्मा ही करती है ना। सत्रह बारह सड़सठ की वाणी का दूसरा पेज। इस समय तो तुमको देही अभिमानी बनना है। किस समय? इस संगम युग में जबकि बाप आया हुआ है तुमको देही अभिमानी बनना ही है, और यही तुम्हारी मेहनत है। बिगर मेहनत के तो कुछ भी मिलता नहीं है, और ये मेहनत है भी बहुत सहज, परंतु कठिन क्यों हो जाती है? हाँ? क्योंकि माया का अपोजिशन बहुत होता है। किनकी तकदीर अच्छी है तो झट इसमें लग जावेंगे, कोई तो फिर देरी से भी आवेंगे। देरी से क्यों आते हैं? क्योंकि मालूमात होने के बाद भी ध्यान नहीं देते हैं। इस पुरुषार्थ में लगते नहीं हैं। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस अब हम तो ये धंधा आदि छोड़ करके एक ही रूहानी धंधा करेंगे, हम तो तपस्या करेंगे। तपस्या किसे कहा जाता है? आत्मिक स्थिति में रहने को ही तपस्या कहा जाता है। तुम तो राज ऋषि हो ना, ये तो तुम्हारी तपस्या ही है सहज राजयोग की। इसके लिए तो कहीं पर भी जाने बा भटकने की दरकार ही नहीं है। कहेंगे
बस अब तो मैं सुरुवानी यात्रा में ही लग जाता हूँ। ऐसे ही तीव्र वेग से लग जावे तो अच्छी दौड़ी पहन सकते हैं, घर में रहते हुए भी बुद्धि में आ जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी राइट बातें हैं। मैं तो अपन को आत्मा समझकर पतित पावन बाप को याद करता हूं। बाप के ही फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं और बनेंगे भी जरूर। पुरुषार्थ करने की ही बात है, परंतु है तो बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत ही डिफिकल्टी होती है। यहां पर तो तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हमको वापस बाबा के पास जाना है, फिर यहां पर आकर के विष्णु की माला में पिरोए जाना है। माला का हिसाब करें तो माला तो ब्रह्मा की भी है और रुद्र की भी माला है। क्योंकि पहली पहली नई सृष्टि की तो ये है माला है ना, कौन सी? रुद्र माला। बाकी तो सभी पीछे आते हैं, गोया पिछाड़ी में पिरोने हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है, असल में तो हम विष्णु कुल के थे, फिर बाद में क्षत्रिय कुल के बने, फिर इससे ही बिरादरियां निकलती हैं। काहे से? नहीं, और बिरादरियां सीधी रुद्रमाला से निकलती हैं। रुद्रमाला सिंगल की है या डबल की है? डबल की है। रुद्रमाला तो सिंगल की है, फिर जब विजय माला बनती है तो डबल है, प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है। तो उसमें भी पहले सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, क्षत्रिय कुल के बने, फिर इससे बिरादरियां निकलती हैं। किससे? हैं? रुद्रमाला अकेले से कैसे निकलेंगी? विजय माला में पिरोए जाते हैं तो सूर्यवंशी सतयुग में आते हैं, फिर सतयुग के सूर्यवंशी ही त्रेता में चंद्रवंशी क्षत्रिय कुल के बने, फिर इससे ही ढेर की ढेर बिरादरियां निकली। कौन कौन सी? इस्लामी, बौद्धी आदि बिरादरियां निकलती हैं। इस नाले से ही तुम समझते हो कि बिरादरियां कैसे बनती हैं। पहले तो रुद्र की माला बनती है, सभी बिरादरियों में माला फिराते हैं। सबकी एक जैसी माला होती है कि माला में गुरिये अलग अलग होते हैं? ऊंची से ऊंची बिरादरियां भी हैं। बाप ने समझाया है कि तुम्हारा तो ये ऊंची से ऊंच कुल है, ये भी बच्चे जानते हैं कि सारी दुनिया को पैगाम तो जरूर ही मिलेगा। जैसे कि अरविंद घोष की माई कहती है कि भगवान तो जरूर कहीं पर आया हुआ है। कब की बात है? कलयुग अंत की ही बात है कि अरविंद घोष की माई कहती है भगवान जरूर कहीं पर आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है।
आखिरी तो सभी को पता लग जाएगा, अखबारों में भी पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे भी नहीं है कि दुनिया में सब एक ही अखबार पढ़ते हैं। अखबार तो ढेर के ढेर हैं, लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, कोई तो दो चार भी पढ़ते हैं, कोई तो बिल्कुल भी अखबार नहीं पढ़ते हैं। ये भी सबको पता तो रहता है कि बाबा आया हुआ है, भले कोई अखबार पढ़ता हो या न पढ़ता हो, विनाश का समय नजदीक आवेगा तो पता पड़ेगा क्या बाबा आया हुआ है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश अब होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो जाए, सन्यासियों को, राजाओं आदि बहुतों को ज्ञान तुमको देना है। कब है? जब समय नजदीक आवेगा प्रत्यक्षता का, तब ये राजाएं, ये सन्यासी तुमसे ज्ञान लेंगे, बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया हुआ है और वो ही सदगति देने वाला है, तो बहुत आवेंगे। अभी अखबार में दिल पसंद कायदे में जब निकला नहीं है, कोई तो निकलने भी ले पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं श्रीमत पर हम सत्य की स्थापना कर रहे हैं, तुम्हारी ये नई मिशन है, तुम ईश्वरीय मिशन के भांति हो, जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय मिशन के भांति। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो आत्मा अभिमानी बने। एक बाप को ही याद करना है, दूसरा न कोई, इस बात का गायन तो है ना। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है, इनसे ही बाप ने नई दुनिया की स्थापना की है। उनको हम जानना चाहते हैं, सभी को टच होगा और समझाने वाला भी प्रवीण हो। ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं, एक बाप के सिवाय कोई दूसरा ये राजयोग सिखलाए नहीं सकते हैं। और जो राजयोग सिखलाते हैं वो ही गीता का भगवान है। सभी को यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है, बाकी सभी बातें ज्ञान का श्रृंगार है, न कि भक्ति की श्रृंगार है। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्रायः लोप हो जाएंगे, बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है, ड्रामा में नूदे। अभी तुम भक्ति मार्ग पास करके ज्ञान मार्ग में आए हो, तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पार्ट है जो चल रहा है। नूद थी जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से, बाप को ही आए ये नॉलेज लेनी होती है। ये भी अभी तुम ही समझते हो आत्मा में नूद है, वहां जाए पहुंचेंगे फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा।
आत्मा की सारी रिकॉर्ड का अभी तुम समझ गए हो, शुरू से लेकर के अंत तक। फिर ये सब बंद हो जाएंगे, भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सत्युग में चली होगी वो ही चलेगी। क्या होगा ये बात बाप अभी नहीं बताते हैं, जो हुआ होगा सो होगा। 17-12-67 की वाणी का तीसरा पेज समझा जाता है। सत्युग नई दुनिया है, जरूर वहां सब कुछ नया और सतो प्रधान होगा। जो कुछ कल पहले हुआ था वो ही होगा। देखते भी हैं लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं, हीरे जवाहरात धन बहुत है। धन होता है तो सुख भी होता है। यहाँ तुम बैठ कर सकते हो, जिनके पास बहुत धन है वो बहुत सुखी हैं। उनके मकान आज में देखेंगे एक भी मच्छर मक्खी नहीं मिलेगा। तो यहाँ तुम भेंट कर सकते हो, वहां तो नहीं कर सकेंगे। यहाँ की सब बातें वहां भूल जाएंगे। ये ज्ञान की बातें वहां रहेंगी वो भी भूल जाएंगे। ये है नई बात जो बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं। शरीर का नाम पढ़ने से फिर उस पर ही कारोबार चलती है। अभी तो तुम आत्माओं को वहां जाना है जहां सारे कारोबार बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि वहां शरीर ही नहीं है। हिसाब किताब सब चुकतु वहां हो जाता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, कहेंगे जब रिकॉर्ड बड़ा है तो आत्मा भी बड़ी होनी चाहिए। अभी रिकॉर्ड पूरा होता है फिर तो आत्मा बड़ी नहीं हो सकती। इतनी छोटी आत्मा में कितना बड़ा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यही कुदरत का वंडर है। ये बातें अभी तुम ही समझते हो, और तो कोई इन बातों को सुना ही नहीं सकता। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्म का पार्ट, आत्मा भी अविनाशी है, इसको वंडर ही सिर्फ कहेंगे। ऐसी आश्चर्यवत चीज दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। कैसी? जैसी आत्मा आश्चर्यवत है। बाबा के लिए तो कहेंगे सत्युग त्रेता का समय विश्रामपुरी का है, हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं। सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। किसका? सूर्यवंशियों का। तो बाप वर्षा भी ऊंचे देते हैं, कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो पार्ट दुनिया में कोई भी नहीं बजा सकता। किसका पार्ट है? बाप कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। बाप कहते हैं हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो कोई बजाए नहीं सकता, कोई भी। ये कौन कहते हैं? बाप कहते हैं कि बाप जैसा पार्ट तो दुनिया में कोई नहीं बजाए सकता। वंडरफुल बातें हैं। ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं होती है,
जब शरीर धारण करते हैं तो मेल फीमेल का आ जाता है। आत्माएं सभी बच्चे हैं तो भाई भाई हैं, भाई भाई कहा जाता है। और भाई भाई बनते हैं जरूर वर्षा पाने के लिए, क्या बेहद का वर्षा भी कब मिलेगा, जब आत्मा आत्मा भाई भाई बनेंगे। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा बाप से लेते हैं, इसलिए मेल ही कहेंगे। सभी आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का, इसके लिए ही बाप को याद करना है। अपन को आत्मा समझना है, हम सभी ब्रदर्स हैं, आत्मा मेल ही है, वो कब बदलती नहीं है, बाकी शरीर कब मेल का कब फीमेल का होती है होता है। आत्मा को वर्षा बाप से मिलता है, इसलिए आत्मा को मेल ही कहेंगे। ये बड़ी अटपटी समझने की बातें हैं, और कोई कब सुना ही नहीं सकता, बाप से या तुम बच्चों से ही सुन सकते हैं, और बाप तो तुम बच्चों से ही बात करते हैं। क्या किन बच्चों से? सन्मुख बैठने वाले आत्मा रूपी बच्चों से ही बात करते हैं। आगे तो सबसे मिलते थे, क्यों आगे क्यों सबसे मिलते थे बात करते थे हैं? आगे क्यों सबसे बात करते थे? क्योंकि आगे आत्मिक रूप में पैदा होने की बात ही नहीं थी। अभी तो कमती करते करते आखिरी तो कोई से बात नहीं करेंगे। क्या कहा हैं? आखिरी तो कमती करते करते कोई से भी बात नहीं करेंगे। संसोज फादर है ना। अरे क्या मतलब हैं? संसोज फादर माने बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, तो बच्चों को ही पढ़ना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस करते हो, बाप समझते हैं ये बहुतों को आप समान बना कर ले आते हैं, जरूर ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेगा या प्रजा बनेंगे। सेना भी तुम हो जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ा करके अपने मिशन में ले आते हो। जितना जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है, जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। मालूम पड़ जाता है, फाइनल होगी तो सबका मालूम पड़ जाता है। इसको फिर कहा जाता है भाभी। कोई बीमार हो पढ़ते हैं, जो पढ़ते नहीं है ये भी पढ़ाई है। अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे, पढ़ाई है तो बहुत सहज, समझना है और फिर समझाना भी है। डिफिकल्टी की तो कोई बात नहीं है, परंतु राजधानी तो स्थापन होनी ही है और उसमें तो साथ चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है, इसमें हम ऊंच पद पावे, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर के अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे,
सारा पढ़ाई पर ही जोर है। याद की यात्रा और पढ़ाई, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बड़ा पद पाएंगे, बाप को प्यार भी करना होता है, क्योंकि ये तो बहुत प्यारे से प्यारी वस्तु है, ये प्यार का सागर भी है, बच्चों को ही प्यार करते हैं, उनको लायक बनाते हैं, वर्षा तो सबको पाना है, इसलिए नंबर बार प्यार करते हैं। क्या मतलब? नंबर बार प्यार करते हैं माने जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं उनको जास्ती ही याद करते हैं। एक रस प्यार तो बाप का भी हो नहीं सकता, कोई याद करते हैं कोई नहीं करते हैं, किसको समझाने का भी नशा रहता है, तो ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है ये यूनिवर्सिटी है और ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है, ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते हैं, और ये चित्र दिन प्रतिदिन बनते ही रहेंगे। बाबा को ख्याल आ रहा था कि ऐसे चित्र बनावे जो मनुष्य देखने से ही समझ जावे। समझाने की जरूरत ही न पड़े। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है, बाकी देवता धर्म का नहीं होगा तो सीढ़ी के चित्र से समझेगा नहीं, अपने कुल का होगा तो झट समझ जाएगा। देवी देवता धर्म के पत्ते होंगे वो ही यहाँ आवेंगे, तुमको फील होगा ये तो बहुत रुचि से सुन रहा है, कोई तो सुनते ही चले भी जावेंगे। ऐसे होता है, जिसने अच्छी रीति भक्ति की होगी वो दिमाग लगा के सुनेंगे, क्योंकि उन्हीं को पहले जाना है। अच्छा, ओम शांति। आत्मिक स्मृति में रहने से, बाप की स्मृति में रहने से, और बाप की स्मृति उनको जास्ती होगी जिनको बाप याद करेगा। बाप किनको याद करेगा? जो ईश्वरीय सेवा में ही रहेंगे। शरीर अर्थात पेट की सेवा में ज्यादा टाइम नहीं लगावेंगे, ईश्वर की ही सेवा में रहेंगे तो इनको ईश्वर बाप याद करेगा। बड़ा आदमी किसी को कनेक्शन लगाना चाहता है टेलीफोन का तो जल्दी लगावेगा, या छोटा आदमी बड़े आदमी को कनेक्शन जल्दी लगावेगा? बड़ा आदमी छोटे से छोटे आदमी से फोन का कनेक्शन जल्दी कर सकता है, तो शिव बाबा तो ऊंच से ऊंच है, वो जिसको याद करना चाहे तो उसकी याद का कनेक्शन बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। और जो आत्माएं हैं वो तो नंबर वार हैं, वो चाहे कि ऊंच से ऊंच बाप से जल्दी से कनेक्शन जुड़ जाए तो जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो मेरे सर्विसेबल बच्चे हैं, कैसे सर्विसेबल? जिन्होंने अपना तन जब से सेवा में आए हैं, जब से ज्ञान में आए हैं, तभी से तन तेरा मन तेरा, दूसरी सेवा में ना मन लगेगा न ये तन जाएगा, चाहे बाप ही क्यों न हो, चाहे कोई प्यारे से प्यारा लौकिक संबंधी ही क्यों न हो, तन और धन
एक की सेवा में जाएगा। जब से ज्ञान में आए हैं तभी से ऐसा देखने में आ रहा है। तो बाप उनको याद करेगा, उनको टाइम पहले देगा या दूसरों को टाइम देगा? फिर नाराज हो जाते हैं, बाबा तो कहते हैं है कदम कदम पर श्रीमत लेना है। अब कदम कदम पर श्रीमत कैसे लें? टेलीफोन का तो नंबर ही नहीं देते, मोबाइल का नंबर देते ही नहीं। बाबा तो पार्सलिटी करते हैं, तो जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। माया बहुत वार करती है, दुश्मन बहुत वार करता है, तो बड़े राजा का आधार लिया जाता है। जो बड़े से बड़ा राजा होता है, ज्यादा पावरफुल होता है, तो अपनी धन संपत्ति रानियां सब उसको सौंप देते हैं और सौंप के उसकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। जैसे आप चलाओगे वैसे हम चलेंगे। तो ऐसे यूनिटी बनाने से प्योरिटी की पावर भी आ जाती है और प्योरिटी की पावर से दुनिया में सब काम होते हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उनको तुरंत शरीर मिलता है, तुरंत शरीर मिलता है कि वो आत्मा 10 दिन मकान के पास भटकती रहती है। 10 दिन के बाद उनकी विधि होने के बाद, विधि होने के बाद प्रवेश करती है। क्या होता है? अरे ये विधि विधान तो मनुष्यों के बनाए हुए हैं, भक्ति मार्ग के हैं। हिंदुओं के भक्ति मार्ग अलग तरीके के, मुसलमानों के अलग तरीके के, क्रिश्चियंस के अलग तरीके के। तो ये देहधारियों के द्वारा विधि विधान बनाए हुए हैं या आत्माओं के बाप के द्वारा बनाए हुए हैं? आत्माओं का बाप तो कहता है आत्मा तुरंत शरीर छोड़ती है, 1 सेकंड में जाकर गर्भ में प्रवेश कर जाती है। बाबा से जो जो जिसकी आयु पूरी हुई हो वो तुरंत शरीर में जाके प्रवेश ना, बीच बीच में थोड़ा बहुत अकाली मौत हुई ना, अभी काल पूरा नहीं हुआ ना, तो अकाले मौत जिनकी होती है वो गर्भ में तुरंत प्रवेश नहीं कर सकते, उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है और सूक्ष्म शरीर में भटकना पड़ता है। तो ये नहीं कहेंगे उन्होंने पूरी रीति शरीर छोड़ा। ब्रह्मा बाबा ने पूरी रीति शरीर छोड़ा, देह भान छोड़ा या नहीं छोड़ा? है पूरी रीत देह भान नहीं छोड़ा, बच्चों में देह भान लिपटा हुआ है। तो उस कारण उनको भटकना पड़ता है। बांधेली आत्मा हूँ, अकेली हूँ, बाबा आते हैं तो आने के लिए नहीं मिलता है, मैं बहुत दूर हूँ, टाइम पर नहीं आती हूँ, संगठन में बाबा से मिल ही नहीं पाती हूँ, तो क्या करूँ? पैसा भी साधन मेरे पास नहीं है। क्या ये बात सच्ची है? है क्या सच्ची है फिर? है कोई बात नहीं? हाँ, तन को बांध सकता है, धन को बांध सकता है, मित्र संबंधियों को भी बांध सकता है, लेकिन मन को तो कोई नहीं बांध सकता।
और बांधेली माताओं की एक ही विशेषता बताई है, क्या? कि औरों का मन भटकेगा लेकिन बांधेली माताओं का मन कम भटकता है, उनकी बुद्धि की एकाग्रता ज्यादा होती है। तो जो शिफ्ट है, जो विशेषता है बांधेली माताओं के पास, जो शक्ति मन की है, उस मन की शक्ति को काम में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। वो एक ही बात पक्की कर दें तो जल्दी से जल्दी सारे बंधन टूट जाएंगे। कैसे टूट जाएंगे, कोई मिसाल दो। जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होने वाला है, हैं? हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जितनी भी बांधेलियां कन्याएं माताएं थीं, सात सात तालों के अंदर उनको बंद करके रखा हुआ था, वो भी छूट गई। अभी हमारी प्रजा माता कहाँ है और उनका हाल कैसा है? प्रजा माता जो श्रेष्ठ प्रजा होगी उसकी ही पालना करेगी कि जो भ्रष्ट से भ्रष्ट प्रजा होगी उसकी भी पालना करेगी? श्रेष्ठ की पालना करेगी। माँ का यही धर्म है, माँ का यही धर्म है कि जो अच्छे से अच्छा स्वस्थ बच्चा हो, गोरा चिट्ठा बच्चा हो, उसकी पालना करेगी। लूला लंगड़ा हो, अंधा हो, कोड़ा हो, काना हो, कुब्जा हो, उसको फेंक देगी? है, उसकी पालना करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। समझ में आया? बुरा होगा तो भी पालना करेगी। है, बुरा होगा बच्चा तो भी पालना करेगी। कैसा भी हो, खराब से खराब चोर डकैत लुच्चा लफंगा भी होगा, और वो बच्चा जिसका बीसियों वारंट निकला हुआ होगा और वो बच्चा नजदीक आ जाएगा तो उसको छुपा के रखना चाहेगी गोद में या कह देगी भाग जाओ? छुपाने का अच्छे से अच्छा प्रबंध करेगी। हाँ, समझ में नहीं आया? प्रजा माता अभी कहाँ है? वही तो बात बताई, अभी दुष्ट से दुष्ट प्रजा कहाँ है, बोलो? है, मधुबन में लो, मधुबन में आत्मा बनने वाली प्रजा है या देहाभिमानी प्रजा है? आत्मा बनने वाले सूर्यवंशी बनते हैं या देहाभिमानी सूर्यवंशी बनते हैं? आत्मा बनने वाले श्रेष्ठ प्रजा बनते हैं या देहाभिमानी श्रेष्ठ प्रजा बनते हैं? आत्मा बनने वाली श्रेष्ठ प्रजा, आत्मा बनने वाली श्रेष्ठ प्रजा बनते हैं। हाँ, आत्मा बनने वाले जो होते हैं वो श्रेष्ठ प्रजा बनते हैं, और जो देह अभिमानी है वो आत्मा नहीं बन पाते, वो भ्रष्ट प्रजा बनते हैं, नीचे से नीची प्रजा बनते हैं। जो नीचे से नीची प्रजा है संसार रूपी वृक्ष में, उसका नाम क्या है, किस नाम से पुकारी जाती है वो प्रजा? 500-700 करोड़ की प्रजा है दुनिया में प्रजापिता की। नीचे से नीची प्रजा किस कोटि की है, किस नाम से पुकारी जाती है, हैं? अरे अभी वर्तमान संसार में 500 करोड़ की दुनिया में हैं? हरि समाज सबसे नीचे हैं, वो भगवान को नहीं मानते हैं। जो नास्तिक हैं, रशियन से हैं, वो ऐसी प्रजा हैं कि अम्मा कौन है यही उनको पता नहीं, बहन कौन है यही उनको पता नहीं, बेटी कौन सी है यही उनको पता नहीं। बचपन में पैदा हुए, बच्चा खाने बनाए हुए हैं पालने के लिए, उसमें डाल दिए गए, माँ फिर कारखाने में जिसमें नौकरी करती है वहां नौकरी करे जाके, बड़े हुए शिशु निकेतन में डाल दिए, और बड़े हुए स्कूल में डाल दिए, हॉस्टल में डाल दिए, पढ़ाई लिखाई पढ़ के बड़े हुए ट्रेनिंग सेंटर में डाल दिए,
गवर्नमेंट की ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर से निकले नौकरी में डाल दिया गया, होटल में खाना खाओ और जो रहने के ठिकाने अलग अलग बने हुए वहां जाके सो जाओ। अब उनको ये पता है हमारी अम्मा कौन है? हैं? अम्मा का उनको पता ही नहीं तो क्या करेंगे? हैं? अगर मान लो 16-18 साल की उम्र में बच्चा पैदा हो गया और वो अम्मा अड़तालीस साल की हो गई नौकरी करते करते, अगर माँ सुंदर है तो उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा। अज्ञान है कि ज्ञान है? इसे अज्ञान कहेंगे। तो ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, वो तो बच्चा बुद्धि कहें या उन्हें सालिम सगीर बुद्धि कहें? बच्चा बुद्धि है, कृष्ण जैसे बच्चा बुद्धि जो अम्मा के क्या बन के बैठ जाते हैं? पति बन के बैठ जाते हैं, अम्मा को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं जैसे पति पत्नी को कंट्रोल में कर लेता है, अच्छी तरह से सब इंद्रियों से जकड़ लेता है। ऐसे माँ की हालत हो जाती है, ऐसे बच्चों की हालत हो जाती है। माँ माया से हाथ मिलाने के कारण माया जानबूझ करके पट्टी बांधती है गांधारी, तो वो जगदम्बा भी पट्टी बांध लेती है आंखों पर जानबूझ करके। तो बताओ कहाँ होगी, किसी की कस्टडी भी होगी? बच्चे की कस्टडी में होगी। ऐसे ऐसे जो नास्तिक बच्चे हैं जिनके लिए दुनिया में गालियां चलती हैं, बहन डॉट डॉट डॉट, मादर डॉट डॉट डॉट, ऐसे बोलते हैं ना, बेटी डॉट डॉट डॉट, गालियां चलती हैं दुनिया में। ये गालियां किन के लिए गाई जाती हैं? कहाँ से निकली ये गालियां? प्रैक्टिकल में कुछ हुआ है तब गालियां हुई हैं या ऐसे ही गालियां हुई हैं? तुम्हें तो बहुत याद आती है ऐसे बच्चों क्यों है? बहुत याद आ रही, सता रही है याद है? माँ की याद। अरे जगदम्बा है ना, चांडालों की अम्बा है तो क्या हुआ? भारत माता तो नहीं है? हैं? भारत माता, भारत माता और जगदम्बा एक ही है? अलग अलग है। वो जगदम्बा है 500 करोड़ की अम्बा और वो सिर्फ भारतवासियों की अम्बा है। भारतवासी जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं, आज से अंत तक भारत के बन के रहते हैं, उनकी अम्बा है भारतवासी। उस भारत माता के लिए बोला है भारत माता शिव शक्ति अवतार, अंत का यही नारा है। वो शिव की शक्ति है या है ना नास्तिकों की शक्ति है? जगदम्बा किसकी शक्ति बन जाती है? नास्तिकों की भी शक्ति बन जाती है तो वो भी देवी, जगदम्बा भी देवी है और भारत माता भी देवी है, लेकिन नंबर वार हैं या एक ही है? नंबर वार। एक को महाकाली कहा जाता है और दूसरी को महागौरी कहा जाता है। कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और ओम शांति।